बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे प्यारे बहन और भाइयों, उम्मीद करती हूँ आप खैरियत से होंगे। अगर आप इस्तखारा या रूहानी इलाज करवाना चाहते हैं तो मदरसा फातिमा ज़हरा से मदद हासिल कर सकते हैं। आप हमारे यूट्यूब चैनल पर आकर भी बात कर सकते हैं अपनी बहन से। आप चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपकी जो मदद हम कर सकें। आज जो अमल है, अमले वजीफा, सबसे पहले नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहदीस से शुरू करते हैं। दुआ की कदर जाने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अल्लाह ताला के नज़दीक दुआ से बढ़कर कोई चीज़ कदर के लायक नहीं है और किसी चीज़ की भी कदर नहीं है। तो प्यारे बहन भाइयों, अब दुआ ही करना छोड़ देंगे तो फिर रब को याद कैसे करेंगे? जब हम बीमार होते हैं, तकलीफ में होते हैं, अज़ियत में होते हैं, तो आपको पता है आपके तमाम गुनाह जो हैं वो ख़त्म हो जाते हैं और आप अल्लाह के करीब हो जाते हैं। तो जब भी आपको कोई दुख तकलीफ हो, फौरन दुआ करें। और आपको जब भी कोई परेशानी, तकलीफ या कोई अज़ियत होती है, तो अल्लाह पाक आपके बहुत नज़दीक हो जाते हैं। फिर तो आपकी दुआ कबूल होने में एक लम्हा भी नहीं लगता। तो अपने लिए भी और दूसरों के लिए भी दुआ किया करें। गैबाना दुआ बहुत जल्दी कबूल होती है, माशाल्लाह। आज जो अमले वजीफे में मेरे बहुत से बहन भाइयों की फरमाइश है कि बहन कोई आसान सा अमल ऐसा बताएं जिससे बहुत जल्दी जो उनसा है अफाका हो जाए, हमारा रूठा हुआ प्यारा जो उनसा है वापस आ जाए। ये अमल ज़्यादातर भाइयों की फरमाइश पर है और भाई जो उनसे हैं बहुत ज़्यादा मेरे अच्छे और प्यारे भाई हैं और बहुत तकलीफ़ में हैं, बहुत अज़ियत में हैं। ख़ासकर वो भाई जो उनकी वाइफ जो है उनको छोड़कर चली गई हो, नाराज़ हो गई हो, या और कोई प्यारा उनसे नाराज़ हो, तालिबे मतलू। तो जो नक्श स्क्रीन पर चल रहा है, ठीक है, ये नक्श आपने अपने हाथ से बनाए तो ज़्यादा मोतबर है। अगर आप फोटोकॉपी करवाना चाहें इसको स्क्रीनशॉट करके तो वो भी करवा सकते हैं। अगर आप अपनी बहन से बनवाना चाहते हैं तो वो भी बता दीजिएगा, मैं आपको बनाकर दे दूंगी, आप भी इसकी फोटोकॉपी करवा लीजिएगा। नक्श एक ही बनाना है और सीधी बाजू पर आपने सुरख रंग की डोरी के साथ बांध लेना है। सीधी बाजू पर सुरख रंग की डोरी के साथ बांध लेना है। अगर आप निकाह करना चाहते हैं तब भी ये अमल कर सकते हैं। अगर कोई बहन है वो शादी करना चाहती हैं, या कोई शादी की बंदिश का मसला है या परेशानी का मसला है, इस नायाब अमल को एक दफ़ा ज़रूर करें। अगर कोई प्यारा रूठ गया है उनका भी, कोई नाराज़ हो गया है, हस्बैंड वाइफ का मसला है और पति की शादी का मसला है, या फिर रिश्तों की बंदिश, माँ बाप को बहुत फिक्र होती है अपनी औलाद की, अगर उन्हें भी कोई इस किस्म की प्रॉब्लम है। मेरी माएँ, अल्लाह पाक ने माँ को बहुत नरम दिल बनाया और ज़रा सी तकलीफ में वो तड़प जाती हैं। ख़ासकर बेटियों के मामले में बहुत ज़्यादा वो अज़ियत में होती हैं और उनके रिश्तों की बहुत सी प्रॉब्लम होती है। तो ये अमल माँ कर सकती हैं, अपनी बाजू पर बांध लें, या अपनी बेटी की बाजू पर बांध सकती हैं, बेटे की बाजू पर बांध सकती हैं। तो अब जो इसका सेंटर है, ठीक है, अलखुब फला इबन फला। अच्छा, जब इबन फला आता है तो फिर हम क्या करते हैं कि हम लड़के की तरफ से नाम लिखना शुरू करते हैं। बिनते लिख लें तो बेटी हो जाएगा, अगर बेटी के लिए अमल करेंगे तो फिर सेंटर में बिनते आ जाएगा, और अगर बेटे के लिए तो इबन आ जाएगा, ठीक है। तो फिर आप लड़के का नाम लिख सकते हैं, फला लड़के का नाम, इबन फला माँ का नाम, अलखुब, ठीक है, ये आपने लिखना है। और नीचे जो देखिए, आपने बेटे का तो माँ का नाम लिख लिया, अब आला हुब के बाद किसका नाम लिखना चाहते हैं आप? जिससे अपने बेटे की शादी या बेटी की शादी करना चाहते हैं उसके लिए लिख सकते हैं। भाई लोग जिनके लिए खास ये अमल आपको दिया जा रहा है, ये अपनी वाइफ का नाम, अपनी बीवी का नाम लिख सकते हैं। और जो बेटियाँ हैं, जो बहनें हैं, वो अपने शोहरों का नाम नीचे वाली लाइन में लिख सकते हैं, फलां इब्ने फलां। और ये अमल आपने जुमे को शुरू करना है और जुमे तक ही रखना है। सात से आठवें दिन आपने मीठी चीज़ बनाकर अल्लाह की राह में तकसीम कर दें और ये अमल आप कर लें। और इंशाल्लाह अल्लाह के करम से ये अमल एक ही काफ़ी है आप लोगों के लिए। आप ये अमल करें और यकीन मानें कि अल्हम्दुलिल्लाह आपका अमल हो जाएगा। अल्लाह की ज़ात, अल्लाह के कलाम में बहुत बहुत रहमत है, बहुत बरकत है, अल्लाह के कलाम में बहुत ताकत है।
और अगर आप अपनी बहन से अमल या इस्तखारा करवाना चाहते हैं तो आप भी राब्ता कर सकते हैं। पाकिस्तान में या पाकिस्तान से जो बाहर के मुल्क में लोग रहते हैं उनके लिए भी है कि वो अपनी बहन से बात कर सकते हैं। इंशाल्लाह जहाँ तक हो सका मैं आपकी ज़रूर मदद करूँगी इंशाल्लाह ताला। और इजाज़त दीजिएगा, ये तमाम वीडियो मदरसा फातिमा ज़हरा की तरफ से पेश की जाती हैं और उम्मीद करती हूँ कि आप फातिमा ज़हरा के चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करेंगे। जज़ाकअल्लाह खैरा।